आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, देखो और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं आज सबके लिए एक राखी की वीडियो लेके आई हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह के मोती लेंगे, चार सुनहरे कलर के मोती लेंगे और छह यहाँ पे वाइट कलर के मोती ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं मोली यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर टू प्लाई का ऊन है और क्रोशिया नंबर यहाँ पर 6 ले रही हूँ। कुछ इस तरह से ये हुक है इसकी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है इसे। ये हम तितली डिज़ाइन में बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, कोई भी इसे बना ले। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि वीडियो अच्छी लगे या ना लगे। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर टू प्लाई ऊन लेते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले 18 चेन बनाएंगे, यानी 18 चेन बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। टोटल हमने 18 चेन बना के कंप्लीट कर लिया हुआ है। 18 चेन बनाने के बाद क्रोशे पे धागा लेंगे और जहाँ से हमारे ये धागा लगा हुआ, देखिए 1 2 और ये 3, तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये जब आप राखी बनाएं, या फिर इसे आप की चेन भी बना सकती हैं अगर आप की चेन के लिए बना रही है। तो यहाँ पे 3 प्लाई ऊन का यूज़ करें। तो देखिए इसी तरह से करते हैं, हमने पूरी लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट होने को आई है। ज़्यादा बड़ा डबल क्रोशिया नहीं लेना है आपको यहाँ पे। देखिए हर चेन पे बनाते हुए हमने एक एक डबल क्रोशिया कर लिया हुआ है। तो देखिए पूरी लाइन हमने बना ली। अब जो इसी चेन में, देखिए इसी चेन में अब डालते हुए 5 डबल क्रोशिया और हमें एक्स्ट्रा बनाना है, यहाँ पे डालेंगे सबसे लास्ट वाले चेन पे। पूरा बना लेने के बाद 5 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लेना है आपको। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। दो तीन चार और ये 5, यानी 5 डबल क्रोशिया आपको एक्स्ट्रा लेना है सबसे लास्ट वाले चेन में। अब यहाँ से जितनी भी चेन दिख रही है सभी में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसे हमने लिया और देखिए ये वाली जो चेन है इसमें डालेंगे हम। जितनी मैंने इधर डबल क्रोशिया बनाई है आपको इधर भी उतने ही डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर पे जाना है, देखिए ये दिख रही है, यहाँ पर डालेंगे इस तरह से और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए इसी तरह से यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। पूरी लाइन यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। जब लास्ट वाली चेन दिख रही है इसमें अब हम फिर से 5 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाएंगे। जो चेन देख रही है जिसमें हमने बनाया हुआ है इसे चेन में डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाएंगे हम। 1 2 3 4 और ये 5, टोटल हमने 5 बनाए।
यहाँ पे देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। जो सबसे हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई हुई थी ये वाली, इसमें डालेंगे हम और स्लिप करते हुए पहले चेन से निकाल लेंगे। यहाँ डाला हमने, इस चेन से निकालेंगे और ये यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ एक चेन बनाते हुए धागे को हम काट लेंगे। अब इस धागे को पीछे ले जाते हुए छुपा देना है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट बनाना है हमें। सबसे पहले गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम 12 चेन बनाएंगे, यानी 12 चेन बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल हमने यहाँ पे 12 चेन बनाया है। 12 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे, जहाँ से हमारा धागा लगा हुआ है इस चेन से काउंट करेंगे हम, एक, ये दो और ये तीन, तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें और अपने फैमिली में से वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिन्हें क्रोशिया ज़्यादा पसंद हो, बुनाई पसंद हो। यहाँ पे हमारी पूरी लाइन डबल क्रोशिया बनते हुए कंप्लीट हो गई। अब इसी चेन में डालते हुए फिर से हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे एक्स्ट्रा, यानी 5 डबल क्रोशिया आपको एक्स्ट्रा बनाना है इसी चेन में। 1 2 3 4 और ये 5। अब इधर घूम जाएंगे। अब देखिए इसके सेंटर पे ये चेन है तो यहाँ पे हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे करेंगे, यानी अब जो भी जहाँ से डबल क्रोशिया दिख रही है सभी के पास एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इधर भी हम कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन हमने डबल क्रोशिया कर ली है यहाँ पे। अब इसी चेन में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद 5 आपको अलग से बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सबसे पहली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम डालेंगे स्लिप करते हुए पहले चेन से निकाल लेंगे इसे। अभी हमारे पास 2 पार्ट रेडी हो गई। इस धागे को मैं काट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से तितली बनेगी और राखी हमारी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पे हम सुई पे यहाँ पे मौली डाल लेंगे इस तरह से। मौली को 2 भाग में लेना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम मोती डालेंगे सबसे पहले।
ये जो हमारे पास सुनहरे कलर के मोती हैं इसे हम पहले डालेंगे, एक, ये दो। अब यहाँ पे हम ये छोटे वाले मोती डालेंगे वाइट कलर के, एक, और ये दो डालेंगे। और एक इससे थोड़ी सी बड़ी है, ये भी डाल लेंगे इसे इस तरह से। अब देखिए किस तरह से करना है हमें, ये दो पार्ट को इस तरह से पकड़ना है हमें। सबसे पहले तो ये पार्ट छोटा वाला पकड़ेंगे हम, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आधा आधा भाग इस तरह से कर लेना है आपको, जहाँ पे बराबर आए देखिए उस भाग पे हम यहाँ पे इस सुई को डालेंगे इस तरह से। अब इस पार्ट को इस तरह से दबाना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे मोड़ना है, जहाँ पे हमारा आधा भाग आ जाए वहाँ पे हम इसे इस तरह से क्रोशिया यानी सुई डालना है हमें। इस तरह से सुई डालेंगे हम यहाँ पे, यहाँ तक इसे डालना है। उसके बाद फिर से ये मोती हम वापस इसमें डालेंगे, थोड़ी सी बड़ी वाली मोती डालेंगे, उसके बाद दो छोटी मोती डालेंगे वाइट वाली, और इससे भी दो छोटी जो हमारे पास ये सुनहरे कलर की है यानी गोल्डन कलर की, ये डालेंगे इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा हल्का इस तरह से खोलना है हमें, चाहे तो दोबारा सुई डालते हुए आप यहाँ से इधर से निकाल सकती हैं, लेकिन मैं इसी तरह से रखूँगी इसे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, गांठ लगा देना है। अब यहाँ पे हम सुई को यहाँ से निकाल लेते हैं धागे को काटते हुए। अब एक गांठ यहाँ पे लगाएंगे ताकि मोती यहाँ से खुले ना, इस तरह से आपको गांठ लगा लेना है। धीरे से गांठ को यहाँ तक पहुँचाना है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे गांठ लगा लिया। दूसरे साइड भी हम गांठ लगा लेंगे, इसीलिए हमने गांठ को यहाँ तक पहुँचाना है धीरे धीरे करते हुए। तो यहाँ पे हमारी ये बटरफ्लाई राखी बनके तैयार हो जाती है कुछ इस तरह से, कलाई पे ऐसे आ जाएगी ये। देखिए कुछ इस तरह से बटरफ्लाई राखी आपकी बन जाएगी, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब चाहे तो यहाँ पे स्टोन भी लगा सकती हैं चारों कोने पे, एक यहाँ है एक यहाँ और एक इधर लगा सकते हैं स्टोन। तो हमारी ये बटरफ्लाई राखी बनके रेडी होगी। कैसे लगे आज के वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।